हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील्स और ये सीसीप 3.1 वीडियो लेक्चर सीरीज का चैप्टर 17 है। फ्रेंड्स, ये सब चैप्टर 17 का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं चैप्टर 17 के दो पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, जो चैप्टर 17 है इसके कंटेंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका पहला कंटेंट या पहला टॉपिक था वो है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्डेबिलिटी। इसमें मैंने आपको बताया था वेल्डेबिलिटी का क्या डेफिनेशन है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है वो मैंने आपको समझाए थे। इसका दूसरा टॉपिक था कैटेगराइजेशन ऑफ वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी को कैसे कैटेगराइज करते हैं वो बताया है। फिर है फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेल्डेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स वेल्डेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो आपको बताया है। फिर कार्बन इक्विवेलेंट एंड इट्स अफेक्ट ऑन वेल्डेबिलिटी, कार्बन इक्विवेलेंट का इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कार्बन इक्विवेलेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका वेल्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेल्डेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैंने आपको बताया है। इसका पांचवा टॉपिक था वेल्डेबिलिटी ऑफ कार्बन स्टील्स, स्टेनलेस स्टील एंड अदर अलॉय। तो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और अदर अलॉयज़ के ऊपर उसकी वेल्डेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सब चीज़ें मैंने पार्ट वन वीडियो में बताया था, चैप्टर 17 का जो पार्ट वन वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। फिर इसके पार्ट टू वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया HAZ हाइड्रोजन क्रैकिंग के बारे में, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया। फिर हाइड्रोजन क्रैकिंग इन वेल्ड मेटल बताया, फिर सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग बताया। ये तीन जो बड़े टॉपिक्स थे ये मैंने पार्ट टू में आपको बताए हैं, पार्ट टू चैप्टर 17 के पार्ट टू में। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब ये जो पार्ट थ्री है यानी जो प्रेजेंट पार्ट है इसमें मैं आपको बताऊँगा लैमिनर टीयरिंग और वेल्ड डीके, इन तीन चीज़ों को मैं इस पार्ट में बताऊंगा, पार्ट थ्री में लैमिनर टीयरिंग और वेल्डिंग के। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, पहले मेरा नाम है संदीप आनंद और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14 प्लस इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मेरी एक हॉबी है अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना, और इसे शेयर करता हूँ मैं दो चीज़ों के माध्यम से। एक तो मेरा एक वेबसाइट है www.weldingandnity.com और मेरा इस वेबसाइट के ऊपर मैं रेगुलर अपने नोट्स, ब्लॉग्स वगैरह डालते रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से। और साथ ही जो दूसरा तरीका है जिससे मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ वो है यूट्यूब के ऊपर मैं अपने वीडियोज़, लेक्चर वीडियोज़ डालता हूँ। तो ये दो तरीकों से मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। ये चैनल है ज्वाइन, ये फीचर है ज्वाइन का ये फीचर है, मतलब आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। देखिए, आपको मेरे जो चैनल का नाम है वीडियो के नीचे उसके पास में ज्वाइन लिखा हुआ है, एक ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा हुआ दिखेगा, इसको आप क्लिक करके जो प्रोसीजर से फॉलो करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मैं अपने चैनल के मेंबर के लिए कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज बनाऊंगा जो कि मेंबर ओनली वीडियो होंगे। मैं रेगुलर टाइम पे कुछ लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा मेंबर्स के लिए, और साथ ही फ्रेंड्स आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं सबका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। जो मेंबर्स होंगे उनकी कमेंट का जो है प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, एक गुरु दक्षिणा टाइप से आप मुझे कुछ अगर कर देना चाहते हैं तो आप इस ज्वाइन करके आप मुझे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक लैमिनर टीयरिंग। लैमिनर टीयरिंग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, लैमिनर टीयरिंग जो है वो बेसिकली ये डिफेक्ट वेल्डिंग में नहीं होता है, पैरेंट मेटल के अंदर होता है। इनफैक्ट HAZ के पास में होता है, HAZ में भी नहीं होता है, मोस्टली HAZ के नज़दीक के रीजन में होता है। और ये जो डिफेक्ट है ये बट आता वेल्डिंग के बाद में है, डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट जनरेट होता है पैरेंट मेटल के अंदर, बट वेल्डिंग के बाद ये डिफेक्ट जनरेट होता है। बेसिकली होता है क्या, जो रोल्ड सेक्शन या रोल्ड प्लेट्स होते हैं प्लेट के अंदर कुछ फॉरेन मेटल इंक्लूजन रह जाते हैं प्लेट के अंदर, वो जो इंक्लूजन है वो मटेरियल जब वेल्डिंग होती है उस समय वेल्डिंग के दौरान क्या है कि कुछ रेसिड्यूअल स्ट्रेस जनरेट होता है वेल्डिंग में। तो जो रेसिड्यूअल स्ट्रेस है वो स्ट्रेस पड़ने पे जहाँ पे मेटेलिक इंक्लूजन होता है वहाँ से मेटल फट जाता है, एक तरीके से टीयरिंग हो जाता है, मेटल दो मेटल के अंदर ही सेपरेशन हो जाता है, उसे ही हम लैमिनर टीयरिंग कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है लैमिनर टीयरिंग इज अ सेपरेशन इन द पैरेंट मेटल कॉज्ड बाय थ्रू थिकनेस स्ट्रेन।
थ्रू थिकनेस स्ट्रेन क्या है वो समझ लेते हैं। थ्रू थिकनेस देखिए, पहले तो थ्रू थिकनेस क्या होता है ये देख लीजिए। थ्रू थिकनेस होता है, देखिए कोई भी रोल्ड सेक्शन है या रोल्ड प्लेट है तो उसके तीन डायरेक्शन होंगे। एक तो रोलिंग का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसकी रोलिंग हुई है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इसकी रोलिंग हुई है, तो ये जो रोलिंग डायरेक्शन, इसे मैं एक्स लिख दिया, रोलिंग डायरेक्शन को एक्स लिख दिया। इसके जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन होगा वो, उसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलेंगे, उसे वाई डायरेक्शन हो गया। तो एक्स डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रोलिंग हुआ, वाई डायरेक्शन जो उसका ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब जो इसकी जो थिकनेस होगी, जो इसका तीसरा डायमेंशन होगा, थ्रू थिकनेस, ये जो थिकनेस है इसे ही हम थ्रू थिकनेस बोलते हैं, और ये हो गया जेड डायरेक्शन। तो इसके अंदर थ्रू थिकनेस, या मतलब ये थिकनेस के अंदर, ये पूरा इसका थिकनेस है, ये पूरा इसकी थिकनेस है, इसी थिकनेस को थ्रू थिकनेस बोलते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन यहीं से मटेरियल से प्रेशर होगा कहीं भी थिकनेस में, और उसे ही हम थ्रू थिकनेस स्ट्रेन बोलेंगे, और यहीं से मटेरियल सेपरेशन होगा। देख लीजिए पहले एक फोटो के माध्यम से देख लीजिए, ये देखिए पेरेंट मेटल है, ये एक पेरेंट मेटल है और ये एक पेरेंट मेटल है, दोनों को हमने यहाँ पे वेल्डिंग किया है। ये जो जोन है यहाँ पे वेल्डिंग किया, ये एक टी ज्वाइंट है। यहाँ ब्लू कलर से वेल्डिंग दिखाया गया है, वेल्ड मेटल ब्लू कलर से वेल्डिंग दिखाया गया है, मतलब वेल्ड मेटल दिखाया गया, और ये रेड कलर से एच ए जेड का एरिया दिखाया गया है, रेड कलर से हमने एच ए जेड का एरिया दिखाया है। अब देखिए जो पेरेंट मेटल टू है इसमें लैमलर टीयरिंग हो गया है। देखिए पेरेंट मेटल टू में ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है इसे ही हम लैमलर टीयरिंग कहते हैं। क्या चीज़ है, यहाँ पे पहले से कोई फॉरेन मटेरियल इंक्लूजन होगा प्लेट के अंदर, तो जब वेल्डिंग हुआ है तो वेल्डिंग में रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हुआ है। रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है, मेटल को इस तरफ खींचा होगा, जो पेरेंट मेटल उसको इस तरफ खींचा हुआ होगा, जिसके कारण कि यहाँ पे इंक्लूजन के कारण कमजोर होगा ये मेटल, और यहाँ से सेपरेशन हो गया, मतलब यहाँ से पेरेंट मेटल अंदर ही अंदर अलग हो गया है, यही है लैमिलर टीयरिंग। अब देखिए ये वेल्ड मेटल और एच ए जेड, इसके नीचे होता है, ये कभी भी एच ए जेड के नीचे होगा, एच ए जेड के ऊपर लैमिलर टीयरिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, एच ए जेड के नीचे ही लैमिलर टीयरिंग होता है। अब अगर कोई लैमिलर टीयरिंग काफ़ी दूर हो गया एच ए जेड से, मतलब ज़्यादा तो दूर नहीं हुआ लेकिन फिर भी थोड़ी अगर दूर पे हुआ तो उसे हम रिमोट लैमिलर टीयरिंग बोलेंगे, बिल्कुल एच ए जेड के नीचे होगा तो उसे हम अंडरविड लैमिलर टीयरिंग बोलेंगे, नियर एच ए जेड, बिल्कुल एच ए जेड के नज़दीक होगा तो अंडरविड लैमिलर टीयरिंग बोलेंगे, और रूट के पास में होगा, देखिए अभी एच ए जेड के पास में ही है बट ये रूट से स्टार्ट हो रहा है लैमिलर टीयरिंग, जैसे हम रूट लैमिलर टीयरिंग बोलेंगे। इसे ही टो, ऐसे ही टो के पास में होता है तो टो लैमिलर टीयरिंग बोलेंगे। तो इस तरीके से लैमिलर टीयरिंग है। अभी देखिए थ्रू थिकनेस डायरेक्शन में ये टीयरिंग होता है, मटेरियल का सेपरेशन होता है, तो ये जो सेपरेशन होता है कुछ स्टेप लाइक दिखता है, जैसे सीढ़ी नुमा, ऐसा स्ट्रेट लाइन में सीढ़ी नुमा टाइप से इस तरीके से ये सेपरेशन दिखता है, स्टेप टाइप, इसलिए स्टेप लाइक शेप यहाँ लिखा है। इट जनरली अपियर्स एज अ स्ट्रेट लाइन स्टेप लाइक शेप इन द बेस मेटल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग ऑफ प्लेट। यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लैमिलर टीयरिंग होगा, ये जो हमारा रोलिंग का जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, इसी के पैरेलल में कहीं होगा, जैसे इसके पैरेलल में थ्रू थिकनेस में कहीं भी होगा, पैरेलल में ही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रोलिंग के डायरेक्शन के पैरेलल में। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैमिलर टीयरिंग आर, सबसे पहले तो ये रोल्ड प्रोडक्ट्स में ही होगा, मतलब रोल्ड प्लेट या रोल्ड सेक्शन में ये अकर होगा। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कार्बन और कार्बन मैंगनीज स्टील में ये ज़्यादा कॉमन है। इसकी तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये एच ए जेड के नज़दीक होगा, लेकिन पेरेंट मेटल पे होगा और एच ए जेड के नज़दीक होगा, क्लोज होगा, एच ए जेड के क्लोज होगा बट एच ए जेड के बाहर पेरेंट मेटल पे होगा। और जो इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का जो सरफेस है उसी के पैरेलल में होगा और फ्यूजन बाउंड्री के भी पैरेलल ही ये होगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए लैमिलर टीयरिंग अकर्स व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, दो कंडीशन यहाँ दिए गए हैं, ये दोनों कंडीशन साथ में एग्जिस्ट होंगे तो ही लैमिलर टीयरिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा।
पहला जो कंडीशन है वो ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट है। जो हमने रोल्ड प्लेट यूज किया वो ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट है, मतलब उसके अंदर कोई फॉरेन मेटल इंक्लूजन रह गया है तो वो ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट हो गया। तो अगर ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट होगा तो ही लैमिनर टियरिंग होगा। अगर रोल्ड प्लेट जो है हमारा बिल्कुल फ्रेश सही है, उसके अंदर कोई मेटालिक इंक्लूजन नहीं है, तो नहीं होगा। और जो दूसरा है कि हाई स्ट्रेस जनरेट होगा, हाई स्ट्रेस थ्रू थिकनेस डायरेक्शन में, जो उसकी जेड डायरेक्शन है उसमें हाई स्ट्रेस जनरेट होगा तो ही लैमिनर टियरिंग होगा। मतलब एक तो मेटालिक इंक्लूजन होने से मटेरियल कमजोर होगा, लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत कम है तो मटेरियल को सेपरेट नहीं कर पाएगा अंदर से, तो इसलिए ये दोनों चीजें होंगी तो लैमिनर टियरिंग होगा। अब दो चीजें मैंने बताई थी, ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट। तो देखिए ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट के बारे में थोड़ा और है, लो डक्टिलिटी इन द थ्रू थिकनेस। अब जो ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट होगा, ससेप्टेबल कैसे होगा, तो जो जेड डायरेक्शन है उसमें उसकी डक्टिलिटी कम होगी तो ससेप्टेबल होगा। अब लो डक्टिलिटी क्यों कम है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, फॉर एग्जांपल फॉरेन मेटल नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स। देखिए नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स वही चीज लिखा है, देखिए लो डक्टिलिटी इज द थ्रू थिकनेस शॉर्ट ट्रांसफर इन द डायरेक्शन, उसमें लो थ्रू थिकनेस में लो डक्टिलिटी होगा और लो थ्रू थिकनेस डक्टिलिटी इन द रॉड प्लेट इज कॉज्ड बाय नॉन मेटालिक इंक्लूजन। देखिए जो लो डक्टिलिटी है वो क्या होगा, तो नॉन मेटालिक इंक्लूजन के कारण होगा। अब जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन जो है वो प्रिंसिपली कौन कौन से मेटल्स होते हैं जो कि इंक्लूजन करते हैं जिससे कि ये होता है, तो देखिए ये है मैग्नीज सल्फाइड्स एंड सिलिकेट्स। मैग्नीज सल्फाइड और सिलिकेट, ये जो दो दो चीज़ें अगर पेरेंट मटेरियल में रह गया तो ससेप्टेबल वॉल्ड प्लेट बनेगा। देखिए अब सेक्शन थिकनेस, जो रोल्ड प्लेट या रोल्ड सेक्शन है उसका सेक्शन थिकनेस और उसका साइज, ये जो बहुत मैटर करता है लैमिनर टियरिंग में। और दूसरा चीज जो है कि जो टी के और वाई ज्वाइंट्स होते हैं, टी के वाई ज्वाइंट्स, टी ज्वाइंट तो ऐसा हो गया, के ज्वाइंट फॉर एग्जांपल, के ज्वाइंट ऐसा हो गया, जैसे एक पाइप है, एक पाइप से एक इधर ब्रांच निकला, एक इधर ब्रांच निकला, तो ये के हो गया। ठीक वैसे ही एक पाइप है ऐसे और इससे दो ब्रांच ऐसे निकले, सॉरी ये फोटो थोड़ा गलत बन गया, एक पाइप ऐसे है और इससे एक ब्रांच इधर निकला और एक ब्रांच इधर निकला, तो ये वाई हो गया। तो जो टी के और वाई ज्वाइंट्स होते हैं इसमें लैमिनर टियरिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? तो क्योंकि इनमें हाई रेसिड्यूअल स्ट्रेस जनरेट होता है इन सब ज्वाइंट्सों में। अब लैमिनर टियरिंग को अवॉइड कैसे करें, तो लैमिनर टियरिंग अवॉइड करने का एक ही तरीका है, एक तो देखिए ससेप्टेबल प्लेट हमें नहीं रखना है। ये जो ससेप्टेबल प्लेट था, ससेप्टेबल प्लेट नहीं रखना है। और जो दूसरी चीज है कि जो वेल्डिंग का मैग्नीट्यूड अगर हम कम करेंगे, वेल्डिंग की क्वांटिटी कम करेंगे, तो रेसिड्यूअल स्ट्रेस भी कम जनरेट होगा। तो बाय रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रू थिकनेस स्ट्रेस, जो थ्रू थिकनेस स्ट्रेस है उसके अंदर हम जो स्ट्रेस है स्ट्रेस का क्वांटिटी कम कर देंगे, तो वो अगर ससेप्टेबल प्लेट है तो भी लैमिनर टियरिंग नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, तो हम अपनी वेल्डिंग की साइज को ही कम कर दें, जितना ज़्यादा वेल्डिंग होगा उतना ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अगर हम अपने वेल्डिंग की साइज कम कर सकते हैं तो कम कर देंगे तो लैमिनर टियरिंग अवॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये एक दीवल हमने बना दिया टी ज्वाइंट में, यहाँ अगर बेवलिंग कर दिया तो इसमें कितनी देखिए एक्स्ट्रा वेल्डिंग हो गई। अगर ये ऐसे देखेंगे, अगर सिर्फ इधर से फिलेट करते और इधर से फिलेट, तो देखिए ऑलमोस्ट इसका हाफ वेल्डिंग होता है, यहाँ पे डबल वेल्डिंग हो गया, अंदर अगर बीवल कर दिया तो डबल वेल्डिंग हो गया। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा। और अगर ये प्लेट ससेप्टेबल है तो इसमें लैमिनर टियरिंग होने के चांसेस बहुत हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है ये जो बीवलिंग अंदर किया वो ना करके सिर्फ फिलेट ज्वाइंट कर दे, तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए इसी को और अच्छे से समझाया गया, यहाँ पे बीवल करके वेल्डिंग
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीवल करके वेल्डिंग कर किया गया है, ठीक है। और अगर ये ससेप्टेबल प्लेट है तो जहाँ तक वेल्डिंग हुआ है वहाँ तक ये टीयरिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीवल नहीं किया है, सिर्फ ये ज्वाइंट बना है, सिर्फ फिलेट ज्वाइंट बना है, दोनों साइड से फिलेट ज्वाइंट। तो यहाँ पे इन दो जगहों पे स्ट्रेस पड़ेगा, यहाँ पे लैमिनर टीयरिंग कम होगा। अब देखिए, अगर कोई ससेप्टेबल प्लेट है तो उस पर अगर हम बटरिंग कर देते हैं, बटरिंग के लेयर कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेन है थ्रू थिकनेस स्ट्रेन, वो शिफ्ट हो जाएगा प्लेट्स के बजाय, ये बटरिंग लेयर पे स्ट्रेन शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे भी हम लैमिनर टीयरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ये तो हो गया वेल्डिंग की क्वांटिटी कम करके, कैसे कम करके हम अवॉइड कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग दी ससेप्टिबिलिटी ऑफ रोल्ड प्लेट। अब ससेप्टेबल रोल्ड प्लेट को ही अगर हम खत्म कर दें या कम कर दें तो भी हम लैमिनर टीयरिंग से बच सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं, जो हम स्टील परचेस कर रहे हैं, जो भी हम रोल्ड सेक्शन परचेस कर रहे हैं, हम उसकी थ्रू थिकनेस डक्टिलिटी को अगर चेक कर लें कि अगर ये सही है तो हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए देखिए, सल्फर का कंटेंट हम देखिए, मतलब सल्फर का कंटेंट जो उसके केमिकल कंपोजिशन है उसको चेक कर ले, सल्फर कंटेंट कम है तो हम कहेंगे कम इंक्लूजन है। उसका टेंसाइल टेस्ट अगर हमने कर लिया तो उसकी डक्टिलिटी थ्रू थिकनेस डायरेक्शन में टेंसाइल टेस्ट कर लेंगे तो उसकी डक्टिलिटी पता चल जाएगी। तो उसके केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल टेस्ट से हम उसकी ससेप्टेबल प्लेट की वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लैमिनर टीयरिंग कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे वेल डीके। वेल डीके क्या होता है? डीके का अगर वोकेबुलरी में, डिक्शनरी में अगर मतलब देखें तो डीके होता है कोई भी चीज़ रखा रखा सड़ जाता है, तो उसे हम डीके बोलते हैं, डिकम्पोजिशन या डीके होना। ये वेल डीके भी यही है। वेल डीके फैब्रिकेशन के दौरान नहीं होता है, कोई आइटम जो फैब्रिकेट करके प्लांट में लग जाता है या सर्विस में चला जाता है तो सर्विस के कुछ दिन या काफ़ी दिनों बाद होता क्या है कि जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग के पास का जो एचएजेड रीजन होता है, एचएजेड रीजन पे करोजन आने लगता है, इसे ही वेल डिफेक्ट, वेल डीके बोलते हैं। और ये मोस्टली ये जो अकर होता है ये ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में ही ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा। और ये सर्विस के दौरान अकर होता है, और कैसे अकर होता है, तो एचएजेड रीजन जो है उसमें करोजन डेवलप हो जाता है, तो सिर्फ ये एचएजेड जो का रीजन है उसी में ये करोजन आएगा, तो ये वेल डीके होता है। अब ये वेल डीके क्यों होता है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है उसमें मिनिमम 10.5% क्रोमियम रखते हैं। 10.5% क्रोमियम किस लिए रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर ये है स्टेनलेस स्टील का कोई प्लेट है, ठीक, ये स्टेनलेस स्टील का प्लेट है, तो क्रोमियम जो है इसके सतह पे एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्रोमियम ऑक्साइड का एक पतला, बहुत ही पतला लेयर स्टेनलेस स्टील के ऊपर बना देता है, क्रोमियम ऑक्साइड का। और ये जो लेयर है इस स्टेनलेस स्टील को करोजन होने से रोकता है, मतलब क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके, एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, और ये जो क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर होता है वो इस मटेरियल को रस्टिंग होने से या करोजन होने से रोकता है। और ये जो क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर होता है ये कभी भी खुरच के अगर हम अलग कर दें तो फिर तुरंत सेल्फ रिपेयरेबल होता है, मतलब तुरंत बन जाता है। तो इसके कहने का मतलब क्रोमियम है तो ये रस्टिंग से बचा हुआ है स्टेनलेस स्टील, लेकिन अगर यहाँ पे क्रोमियम ना हो तो इसमें तो रस्टिंग हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल है वेल डीके का। होता क्या है कि जो क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील का वो कार्बन के साथ मिल जाता है, कार्बन के साथ रिएक्ट हो जाता है और वो बना देता है क्रोमियम, यहाँ देखिए क्रोमियम कार्बाइड एचएजेड में, एचएजेड का जो रीजन है वहाँ का क्रोमियम कार्बन के साथ मिलके क्रोमियम कार्बाइड बना देता है। तो जो क्रोमियम कार्बाइड बना देंगे तो क्रोमियम हमारा ख़त्म हो गया, और क्रोमियम ख़त्म हो गया तो फिर वो क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर नहीं बन पाएगा तो वहाँ पे करोजन हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ ध्यान देने वाली बात कि एचएजेड रीजन में क्रोमियम जो है कार्बन के साथ मिलके क्रोमियम कार्बाइड बना देता है, तो क्रोमियम डिप्लेशन हो जाता है, क्रोमियम खत्म हो जाता है और वहाँ पे फिर जो है हम करोजन को रोक नहीं पाते हैं। तो क्रोमियम, देखिए क्रोमियम ऑक्साइड जो है, क्रोमियम ऑक्साइड
करोजन को रोकता था, लेकिन क्रोमियम कार्बाइड करोजन को रोक पाने में असमर्थ होता है, इसलिए करोजन हो जाता है। तो ये जो चीज़ होता है ये सिर्फ HAZ रीजन में ही होता है, इसलिए HAZ रीजन ही करोजन होता है, बाकी रीजन इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ एक और चीज़ है कि ये जो क्रोमियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है ये लगभग हाई टेम्परेचर पे होता है, कम टेम्परेचर पे नहीं होता है। तो अगर सर्विस के दौरान जो वेल्डिंग है वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज्ड है तो ही ये होगा। देखिए माइक्रोस्ट्रक्चर की मदद से देखिए, ये जो HAZ का रीजन मानते, सॉरी यहाँ पर देखिए ये HAZ का रीजन है, ये HAZ का रीजन देखिए खाली रह गया और यहाँ का जो क्रोमियम है वो कार्बन के साथ रिएक्ट होके वो बना दिया आपको क्रोमियम कार्बाइड। तो इसलिए जो HAZ का रीजन है वहाँ पे करोजन होगा। अब ये जो है क्रोमियम कार्बाइड फॉर्मेशन होता है 600 से 850 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मतलब अगर सर्विस के दौरान वो जो जॉब है वो 600 से 850 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो ही वहाँ पे क्रोमियम कार्बाइड फॉर्मेशन होगा, वही वहाँ पे वेल्ड डीके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है, 600 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कार्बन जो है डिफ्यूज होता है ग्रेन बाउंड्री के ऊपर, ग्रेन बाउंड्री के ऊपर कार्बन डिफ्यूज हो जाता है, ग्रेन बाउंड्री के ऊपर चला जाता है और क्रोमियम के साथ कंबाइन होकर क्रोमियम कार्बाइड बना देता है। इसी चीज को हम सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, इंटर क्रिस्टलाइन क्रोजन भी बोलते हैं, इंटर क्रिस्टलाइन क्रोजन, और इसी चीज को इंटर ग्रेनुलर क्रोजन या IGC भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां हमने ये समझा हमने वेल डीके का कॉन्सेप्ट और इसका मैकेनिज्म, अब हम समझेंगे कि इसको कैसे अवॉइड करना है। आपने तो समझ ही लिया कि अगर हमारा क्रोमियम बचा रह जाएगा तो क्रोमियम कार्बाइड फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्रोमियम कार्बाइड फॉर्मेशन क्यों हो रहा था तो कार्बन की वजह से, अगर कार्बन कम कर दे तो क्रोमियम कार्बाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कार्बन कम करने के लिए क्या करेंगे, लो कार्बन ग्रेड का ऑस्टेनेटिक स्टील यूज कर देंगे, लो कार्बन ग्रेड जैसे 304L और 316L। यहाँ पर देखिए 304 एक स्टील होता है और एक 304L स्टील होता है, जो 304L और 316L स्टील होता है ये लो कार्बन स्टील होता है और ये इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है ताकि वेल्डिंग बचाया जा सके। इसका एक दूसरा तरीका है कि अगर हम स्टेबिलाइज्ड ग्रेड का स्टेनलेस स्टील यूज कर दें, स्टेबिलाइज्ड ग्रेड क्या होता है तो जैसे SS321 है ये स्टेबिलाइज्ड ग्रेड होगा, SS347 जो है ये भी एक स्टेबिलाइज्ड ग्रेड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 321 में जो टिटेनियम होता है और 347 में नियोबियम होता है। अब ये क्या होता है, जो टिटेनियम और नियोबियम है ये कार्बन के साथ पहले ही ये कंबाइन हो जाते हैं, तो कार्बन के साथ कंबाइन होकर ये कम हो जाते हैं तो क्रोमियम बचा का बचा रह जाता है। तो या तो हम लो कार्बन ग्रेड का स्टेनलेस स्टील यूज करें या फिर हम स्टेबिलाइज्ड ग्रेड जैसे 321 या 347 का यूज करें तो हम वेल डीके से बचे रह सकते हैं। साथ ही अगर हमारे पास मजबूरी है कि हमें हायर कार्बन ग्रेड ही यूज करना है तो लो हीट इनपुट वेल्डिंग करना पड़ेगा, स्किल्ड वेल्डर से लो हीट इनपुट करना पड़ेगा और जितना कम से कम वेल्डिंग पॉसिबल हो उतना ही करें, फ्यूएस्ट वेल्डरन पॉसिबल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।